So hey guys, welcome back to our YouTube channel and today I'm going to tell you how to make a chain guide at your home. So recent video में मैंने आपको कहा था कि comment में बताइए अगर आपको chain guide बनानी सीखनी है तो काफी लोगों ने मुझे comment करा और Instagram पे भी DM करा था. तो आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ. वीडियो थोड़ी लेट आई है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट वीडियो आ चुकी है तो जल्दी से देख लीजिए. और गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, चेन गाइड भी दो टाइप की होती है. ओके, मतलब एक तो रेडीमेड आती है वहां से, उसको तो भूल जाइए, जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ उसमें दो टाइप की होती है. ओके, तो देखिए गाइज, पहला टाइप आपका ये वाला होता है, एक चेन गाइड मतलब यहाँ पे तैयार हो जाती है. ओके, तो मैं आज यही वाले इसी के बारे में बताऊंगा. और एक जो होती है वो यहाँ पे बनाई जाती है, तो ये वाली जो होती है वो यहाँ से बनाई जाती है. आपकी साइकिल में अगर यहाँ पे होल है तो आप ये वाली चेन गाइड बना सकते हैं, अगर नहीं है तो ये वाली बनानी होगी आपके लिए. तो इस वाली चेन गाइड के लिए भी एक वीडियो है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके देखिए. वो मेरे फ्रेंड की वीडियो, तो जाके देखिए. और अगर आपकी होल है यहाँ पे तो इसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और एंड तक देखना कैसे बनाई है मैंने. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट एकदम डिटेल में बताया जाएगा. ओके गाइज, सो गाइज मैंने अपने चेन गाइड को खोल लिया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने खोल लिया है. ये देखिए गाइज, मैंने पूरा चेन गाइड खोल लिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है. और देखिए गाइज, आपकी साइकिल में भी ऐसा ही होल होना चाहिए तभी आप ये वाली चेन गाइड बना पाएंगे. ओके, तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए आपको. एक ड्रिलर का बैक पैनल का पार्ट चाहिए, जो कि आप लोगों को पता ही है उसी में ही होता है. और एक ये चाहिए, जो ये फ्राई व्हील होता है, ये इसी के अंदर होता है. और ये फ्राई व्हील होता है जो ड्रिलर का ही होता है, ये इसी के यहीं पे ही होता है. और ये एक नट चाहिए जो कि यहाँ का ही होता है, ड्रिलर का ही नट होता है ये भी. और एक नट बोल्ट आपको ऐसा चाहिए जो कि हम इसे साइकिल के उस होल में टाइट कर सकें. उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक बड़ी वॉशल और दो छोटी वॉशल चाहिए. ये दोनों ब्रेक शू की वॉशल्स हैं. और टूल्स में आपको एक प्लायर चाहिए और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए. तो गाइस बस इतना सा सामान चाहिए, इतने से सामान में आपको हम बनाना सिखा देंगे कि चेन गाइड कैसे बनाते हैं. तो चलिए शुरू कर देते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आपको इसको मैं बता देता हूँ कैसे सेट करना है. तो इसको आपको यहाँ पे एकदम ऐसे, हाँ ये वाली जो साइड है ये जो नीचे आनी चाहिए, ये आपका नीचे ही आना चाहिए. तो आपको बस इसको ऐसे टाइट करना है, ये यहाँ पे टच हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसको वहाँ पे एकदम परफेक्ट टाइट कर देना है. वो मैं आपको टाइट करके दिखा देता हूँ पहले. ओके, तो चलिए टाइट करने के बाद दिखाता हूँ आपको. गाइस टाइट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ टाइट कैसे करना है. ये नट लेना है, इसके अंदर आपको ये वाली वॉशल डालनी है छोटी वाली, और इसके अंदर ये बड़ी वाली डालनी है. वो होल ज़्यादा बड़ा है और हमारा नट छोटा है, इसलिए हम ये चीज़ डाल रहे हैं. और देखिए गाइस, ये आपको नीचे से ऐसे निकालना होगा, ये नट ऐसे नीचे से निकाल के, और फिर आपको इसके अंदर वो ड्रिलर की बैक पैनल टाइट करनी है. तो चलिए मैं पहले टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँगा. सो गाइस, मैंने टाइट कर लिया है इस नट को, देख लीजिए. और ये मैंने प्लायर से एकदम अच्छे से टाइट कर दिया है, और देखिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, एकदम परफेक्ट टाइट हो चुका है. अब हमें बस इसको इसके मतलब इसके कंपैटिबल में एडजस्ट करना है, मतलब बैंड करना है अच्छे से. तो चलिए हम बैंड करके फिर दिखा देते हैं आपको. जिस भी फ्रंट व्हील पे रखनी है उसके हिसाब से बैंड कर लेना, उसके सामने कर लेना. यहाँ से बैंड होगा, मतलब आपको यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है इसको. तो मैं फर्स्ट के ऊपर रखता हूँ, फर्स्ट पे रखता हूँ. सो मैं फर्स्ट के हिसाब से इसको पहले बैंड कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको. सो गाइस देखिए, मैंने बैंड कर लिया अच्छे से, और ये मैंने फर्स्ट के हिसाब से ही बैंड करा है. देखिए अगर मैं चेन को मतलब फ्राई व्हील लगाऊंगा तो देखिए ये फर्स्ट के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैंड हुआ है, और यहाँ पे हमारी फ्राई व्हील लग जाएगी इस होल में. तो चलिए दिखाता हूँ फ्राई व्हील कैसे लगानी है. तो गाइस फ्राई व्हील के लिए हमें बस ये नट का जो पहले ये अंदर की जो वॉशल होती है, इसके अंदर की जो इसको फ्री रखती है, उसको रखना है. और इसको बस गाइस इसमें यहाँ पे टाइट करना है. तो चेन बाद में लगा लेंगे, और इसको पहले टाइट कर देते हैं, दिखाता हूँ. ये देखिए गाइस, बहुत सिंपल है गाइस, इतना सिंपल तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा. ओके, और बस ये हो गया हमारा चेन गाइड तैयार. देख लीजिए, इसको हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे अच्छे से. चलो कर देते हैं. ये ले लिया हमने स्क्रू ड्राइवर, और देखिए गाइस ये लगा के, ओ ये टाइट हो चुका है अच्छे से. ओके, थोड़ी बहुत वो होती है फ्री. तो गाइस
हमारा चेन गाइड बन चुका है एकदम परफेक्ट, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम परफेक्ट बना है। और चेन देखिए कितनी स्टेबल है, एकदम टाइट है। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ चेन गाइड का क्या फ़ायदा हो, अभी देखिए कितनी स्टेबल है। ओके, और इसको हटाने के बाद देखिए कैसे ज़्यादा ही वो हो रही है। ओके, तो इसका फ़ायदा यही होता है, चेन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। और चेन गाइड बन चुका है हमारा। सो गाइज मैंने बता दिया आपको चेन गाइड कैसे बनाना है, और अगर आपके यहाँ पे होल नहीं है तो दूसरे वाला चेन गाइड बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वीडियो की, जाके देखिए उसको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट ट्यूटोरियल किसका लेके आऊँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।